गुड़िया तू ना चाय ले आ जरा। लेकिन माम तो चली गई, डाकिया की तरह चिट्ठी डाल के चली गई क्या? मतलब व्हाई शी लेफ्ट इतनी जल्दी? वो माम बताने आई थी बस कि उसकी और दानिश की मंगनी टूट गई। वैसे ना मैनू पहला ही पता सी, इसीलिए तुझे कहा था कि दानिश पे फोन कर। दानिया की भी तो टूट गई। दानिया की मंगी नहीं टूटेगी। रूहान जो है ना दानिश की तरह नहीं है। रूहान ये पापा की सुनता है। और दानिया? दानिया बहुत रिस्पेक्ट करती है सास साहब की। तू ना अपना सोच जरा। नो व्हाट आई मीन? हिल कम काम ज्यादा कर। वो देख कितनी मट्टी जमाए कोने में। शनो तू वैसी की वैसी है, काम चोर। अब देख कैसा सीधा करती हूँ तुझे मैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ? रोहान भाई की जो अम्मी है ना वो ना ऐसा लगता है कि जैसे तोप के गोले ना मुंह में लेके पैदा हुए। तो फिर बैठ गई, चल काम कर। अच्छा एक बात बता, ये एहसान ने वाकई मंगनी तोड़ दी? नहीं मंगनी नहीं तोड़ी, वो उन्होंने शादी से मना कर दिया। सीधी बात है ना, ऐसे घर में कौन अपनी बच्ची देगा? उनको दरअसल बहू नहीं चाहिए, काम करने वाली नौकरानी चाहिए। जुल्म करेंगे बेचारी बच्ची पे बेकार लोग। तो फिर बैठ गई। मैं तेरे सर पे खड़ी हूँ यहाँ, फिर भी तुझे नहीं समझ आ रही। जल्दी से पूरी सफाई कर, वो देख शीशा चमका दे बिल्कुल। अब मैं आ गई हूँ ना वापस, देख तुझे कैसे सीधा करती। सारी अय्याशियाँ तेरी खत्म। उठ सही से काम कर। वालेकुम आंटी, मैं दानिश। वालेकुम सलाम। हमारा तारुफ तो पहले हो चुका है, याद है? मंगनी की रात पे बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन हुआ था। जी लेकिन आप बैठिए ना, मैं आपको अपना खुल के तारुफ देने आया हूँ आज। नहीं बेटा, वैसे इतना डिटेल में खुल के तारुफ कराने को कुछ है नहीं। वैसे आज काफी बदले बदले लग रहे हो। आंटी वो एक्चुअली मैं और दानिया जो है वो क्लास 8 से एक ही स्कूल में पढ़ते थे, फिल्म मेकिंग की डिग्री तक साथ रहे हो। फिर तुम्हारे बाबा ने अपनी डेथ से पहले तुम्हारी मंगनी भी कर दी और तुमने चुपचाप कर ली। वो पुरानी बात। और ये भी कि तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है। yes. अपनी मंगनी टूटने पे काफी खुश दिख रहे हो। खुश जरा मुनासिब लफ्ज नहीं है, पर yes, I am relieved। क्यों? तुम्हारी मंगेतर काफी बुरी थी क्या? नहीं बुरी तो नहीं थी, बल्कि बहुत अच्छी थी वो। बस हम दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थी। बेटा ये जो रिश्ते होते हैं ना ये बहुत सोच समझ के करने चाहिए, और जब एक दफा कर लो ना तो फिर कोशिश करो कि ये ना टूटे। मुझे पता है आंटी। हलवा पूरी। हाँ हलवा पूरी। जाओ बेटा ऊपर जाओ, दानिया के पास ले जाओ। मेरे साथ तो खाएगी नहीं। क्यों? ऐसे कैसे नहीं खाएगी वो? मैं जाके बात करता हूँ उससे। काम कर।